नमस्कार, मैं आपके साथ विनीत राय बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल के इस खास प्रोग्राम रहस्यमय दुनिया में। आज मैं बात करूंगा जब खुद गवाही देने अदालत पहुंचे थे बांके बिहारी, जिनको देखकर जज भी पागल हो गया। और इसके साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि वृंदावन के पागल बाबा के मंदिर के बारे में, और ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में सबकी इच्छाएं पूरी होती हैं। और ऐसा कहा जाता है कि बांके बिहारी खुद अपने भक्त के लिए गवाही देने के लिए चले आए थे। उत्तर प्रदेश में स्थित मथुरा को कृष्ण की नगरी के नाम से जाना जाता है, और साथ ही इस नगरी के बारे में कहा जाता है कि यहाँ कहीं भी एक पत्थर उछालो तो वो किसी न किसी मंदिर में ही गिरता है। इसीलिए तो इस नगरी को मंदिरों का नगरी भी कहा जाता है। यहाँ एक नहीं बल्कि कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ दर्शन करने के लिए हजारों लोगों की लाइन लगती रहती है। यहाँ के पौराणिक किस्से कई हैं और उन किस्सों में छुपी हुई आस्था भी अटूट है। श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। इनमें से कुछ मंदिर एकदम बहुत ही खास है, जहाँ सिर नवाए बगैर कोई जाना नहीं चाहता। इन सब मंदिरों में से एक मंदिर को ज़्यादा ही खास है, और उस मंदिर का नाम है पागल बाबा मंदिर। इस मंदिर का निर्माण पागल बाबा के द्वारा करवाया गया था, और इस मंदिर को मॉडर्न वास्तुकला का उदाहरण भी माना जाता है। इस मंदिर में दर्शन करने के लिए हजारों भक्तों का तांता लगा रहता है, और ख़ास तौर पर पूर्णिमा के अवसर पर इस मंदिर में हजारों की तादाद में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि इस दिन कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता है। तो आइए जानते हैं अपने इस रिपोर्ट में पागल बाबा के बारे में, और जानेंगे कि कैसे बांके बिहारी को भी अपने एक भक्त की गवाही देने के लिए अदालत आना पड़ा था। श्री कृष्ण के चमत्कारों से कौन अवगत नहीं होगा, और उनकी सभी कथाएं प्रसिद्ध भी हैं। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक कथा है पागल बाबा की, और घटना ये थी कि एक बहुत गरीब ब्राह्मण कृष्ण जी को बहुत मानता था, और पारिवारिक समस्या के कारण उसे धन की जरूरत हुई, तो उसने एक साहूकार से कुछ कर्ज लिया, और वो थोड़े थोड़े करके कर्ज चुका रहा था। लेकिन आखिरी किस्त देने से पहले ही साहूकार की नीयत बदल गई, और उसने ब्राह्मण को कोर्ट का नोटिस भेजा, जिसमें लिखा था कि उसने कर्ज नहीं चुकाया है, इसलिए पूरी धनराशि ब्याज के साथ साहूकार को वापस की जाए। ब्राह्मण बहुत घबरा गया, और साहूकार के पास जाकर उसने बहुत विनती की, मगर कोई असर नहीं हुआ। फिर कोर्ट में भी ब्राह्मण ने यही कहा कि उसने कर्ज की आखिरी किस्त के अलावा सारा ऋण चुका दिया है। जज ने उससे अपनी बात साबित करने के लिए कहा, तो उत्तर में उसने दुखी होकर कहा कि बिहारी जी के अलावा कौन जानेगा। तब अदालत ने कृष्ण मंदिर में नोटिस भेज दिया, और वो नोटिस कृष्ण जी की मूर्ति के आगे रख दिया गया, और सभी इस बात को भूल गए। अगली तारीख पर एक बूढ़ा आदमी गवाही देने अदालत पहुंचा, जिसने जज को बताया कि उसने ब्राह्मण को कर्ज वापिस करते हुए देखा है। उस बूढ़े व्यक्ति ने तारीख के हिसाब से एक एक दिन दिए हुए रकम की छोटी से छोटी जानकारी अदालत के सामने पेश करने लगा। जज ने आगे की जांच का आदेश दिया, और जांच में साहूकार के बही खातों में जो धनराशि दर्ज थी वो गलत नामों से दर्ज थी। जज ने ब्राह्मण को निर्दोष करार दिया, लेकिन जज को संतुष्टि नहीं मिली। तब जज के मन में कई सवाल उठ रहे थे, जैसे ब्राह्मण को किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं था, और उस गवाह को सारी बातें कैसे याद थी जबकि वो बहुत बूढ़ा था, या फिर ब्राह्मण के लिए किसी भी व्यक्ति ने गवाही नहीं दी, उस बूढ़े व्यक्ति ने उसकी मदद क्यों की। उसने इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए ब्राह्मण को बुलवाया और पूछा कि वो गवाह कौन था। ब्राह्मण ने कहा कि वो उस व्यक्ति को नहीं जानता, पर बिहारी जी के अलावा और कौन हो सकता है। जज ने हंसते हुए कहा, मजाक छोड़ो और सच बताओ। तब ब्राह्मण ने गंभीर होकर कहा
कि सच में उसे नहीं पता वो कौन था। जज फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ और कृष्ण मंदिर जा पहुंचा। वहां सेवा कर रहे लोगों से इस बारे में पूछा तो उनका कहना ये था कि जितने भी पत्र आते हैं वो सब कृष्ण जी की मूर्ति पर चढ़ा दिए जाते हैं। और जहां तक बूढ़े व्यक्ति की बात है तो यहां कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो गवाही देने गया हो। जज इस बात को सुनकर बहुत हैरान हो गए, जबकि उन्हें पता चल गया कि जो व्यक्ति गवाही देने आया वो कोई और नहीं बल्कि साक्षात भगवान कृष्ण जी थे। जिसके बाद उन्होंने अपनी नौकरी और घर परिवार छोड़कर वृंदावन में ठाकुर को ढूंढने चले गए। जब जज पागल हो गया और वो भंडारों में जाता और पत्तलों पर से जूठन उठाता, उसमें से आधा जूठ ठाकुर जी की मूर्ति को अर्पित करता और आधा खुद खा जाता। इसे देखकर लोग उसके खिलाफ हो गए और उसे मारते पीटते, पर वो नहीं सुधरा। एक भंडारे में लोगों ने अपनी पत्तलों में कुछ नहीं छोड़ा ताकि ये पागल ठाकुर जी को जूठा ना खिला सके। तब उसने फिर भी सभी पत्तलों को पोंछ पाछ कर एक निवाला इकट्ठा किया और अपने मुंह में डाल लिया। जैसे ही उसने निवाला मुंह में डाला उसे ख्याल आया कि वो ठाकुर को खिलाना तो भूल ही गया। उसने वो निवाला अंदर नहीं लिया कि अगर पहले मैं खा लूंगा तो ठाकुर जी का अपमान होगा और थूका तो अन्न का अपमान होगा। तभी एक सुंदर बालक जज के पास आया और बोला, क्यों जज साहब, आज मेरा भोजन कहाँ है? तब जज ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और रोने लगे। तब कृष्ण स्वरूप बालक ने जज को कहा कि रोज तू मुझे दूसरों का जूठा खिलाता है, आज अपना भी खिला दे। इसे सुन जज पागल हो गया और अपने प्राण वहीं त्याग दिए। वर्तमान समय में वही जज पागल बाबा के नाम से जाना गया। इस घटना ने जज को इतना झकझोर दिया कि वो अपने पद से इस्तीफा देकर घर परिवार छोड़कर कहीं चले गए। और कहते हैं कि कई सालों बाद वही जज वृंदावन में मिले और आज वही पागल बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं। यहाँ इस मंदिर में सेवा कर रहे 82 साल के एक बुजुर्ग बताते हैं कि विश्व में ये अपने किस्म का 10 मंजिल वाला पहला मंदिर है, जिसमें 8 बीघे में मंदिर तो 5 बीघे में यहीं पर गौशाला भी स्थित है। विशाल पागल बाबा हॉस्पिटल भी बना है जहाँ हजारों रोगियों का रोजाना उपचार किया जाता है और यहाँ तक कि मंदिर के खर्च पर दिल्ली ले जाकर ऑपरेशन भी कराए जाते हैं। मंदिर में सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से कृष्ण लीला, रामलीला और पागल बाबा की लीला होती रहती है। वरिष्ठ सेवायत और मंदिर के कार्यालय प्रभारी ने बताया कि मंदिर की देखरेख के लिए 5 लोगों का बोर्ड गठित किया गया है। मथुरा, जिसे श्री कृष्ण की जन्मभूमि कहा जाता है और यहाँ कड़कड़ में भगवान श्री कृष्ण का वास है और इस भूमि पर अनगिनत मंदिर स्थापित हैं। यहाँ स्थापित हर भवन कान्हा और राधा रानी से जुड़ा हुआ है, जिसमें उनका लीलाओं का वर्णन अलग अलग रूपों में देखने को भी मिलता है। और कहा जाता है कि यहाँ के प्रत्येक मंदिर में पूरे साल भक्तों का तांता लगा रहता है। दुनिया भर से लोग यहाँ दर्शनों के लिए आते जाते रहते हैं। आप सभी ने ये तो सुना ही होगा कि जब जब धरती पर पाप बढ़ा है तब तब भगवान ने विश्व के कल्याण के लिए अवतार लिए हैं, और जब भी किसी भक्त ने भगवान को पुकारा है तो वो खुद ही उसकी मदद करने आए हैं। लेकिन क्या आपने कभी सुना था कि श्री कृष्ण अपने किसी भक्त के लिए कोर्ट में भी पेश हुए हैं? लेकिन ये सच है कि बांके बिहारी जी अपने एक भक्त के लिए एक बूढ़े का वेश बनाकर गवाही देने अदालत पहुंच गए थे, और जब जज को ये पता चला
कि उसका सामना खुद भगवान से हुआ है, तब वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर पागल हो गए और एक संत बन गए और पागल बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी ऐसी ही रोचक रहस्यमय जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। नमस्कार।